भी जहाँ पे मैं हूँ अगर थोड़ा भी पैर फिसला सीधा नीचे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी शिवानी झा और पेट पूजा करके अब फाइनली मैं जा रही हूँ गल्लू देवी टेम्पल विजिट करने, जो कि यहाँ से अप्रोक्स 1 घंटे की हाइक है। वो धर्मकोट में पड़ता है और वहीं से थोड़ी ऊपर से ट्रियुन का ट्रैक स्टार्ट होता है। पॉइंट पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं। अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मैं पहुँचूंगी भागसुनाग वाटरफॉल के लिए या मैकलॉडगंज के लिए, एंड यहीं से ऊपर का रास्ता जाता है धर्मकोट के लिए, विच इज़ अ शॉर्टकट ऑल्सो। यहाँ से डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर होता है। सो लेट्स गो। दो रास्ते हैं, एक ऊपर और एक इधर। सो थैंक्स टू हिम, इन्होंने गाइड किया। सो ये जो रास्ता है ऊपर वाला, ये है गल्लू देवी के लिए। गल्लू देवी बहुत वहाँ ऊपर जाना है। ओह गॉड, सबसे बेस्ट बात यही है यहाँ माउंटेन की कि आप कहीं पे भी रेस्ट कर सकते हो, बैठ जाओ, व्यू एंजॉय करते रहो। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कुछ कुछ दूर पे ही कैफे और शॉप्स हैं छोटी छोटी। तो हम आए हैं इस रास्ते से, ये वाला रास्ता जो कि हमें धर्मकोट की ओर लाया, और अभी हमें जाना है वहाँ कहीं, वहाँ पे आग लग चुकी है। होपफुली जहाँ जाना है वहाँ पे ना हो, बट देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है वो यहाँ से स्टेयरकेस से। यहाँ पे पहाड़ों पे ब्रास के फूल बहुत जगह मिल जाएंगे, एंड कहते हैं इनका जो जूस होता है ब्रास के फूलों का वो इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो इंस्टेंट इम्यून कर देता है। और कुछ ऐसा है नज़ारा, सो फाइनली आई रीच्ड एट गल्लू टेम्पल। तो मेरे पीछे ये जो पॉइंट है ये वाला, ये गल्लू टेम्पल है, और यहाँ से व्यू सच में बहुत प्यारा है। इतना ऊपर आना वर्थ इट होता है जब आपको कुछ वैसा व्यू मिल जाता है। एंड जिनको भी ट्रियुन जाना होता है उनको जो परमिशन लेनी होती है, यहाँ से आगे जाके कुछ 100 मीटर्स पे ही पुलिस बूथ है जहाँ पे आपको परमिशन लेनी होती है या अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है जो जो ऊपर जा रहा है और जो जो सामान आप लेके जा रहे हो। सो या फाइनली, एंड यहाँ तक आप अपनी कार बाइक सब कुछ ला सकते हैं ट्रेन के पॉइंट तक ट्रैक करने के लिए। बाकी नहीं तो टैक्सी सर्विसेज तो हैं यहाँ पे। और ये है गल्लू टेम्पल का पॉइंट, और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है गल्लू वाटरफॉल के लिए। सो लेट्स गो। सो नॉर्मली जो भी लोग धर्मशाला मैकलॉडगंज जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भागसू वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। जब आप ऊपर आते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे
एक और वाटरफॉल है, एज कम्पेयर टू भागसू छोटा है बट बहुत प्यारा है, स्पेशली उसका रास्ता बहुत प्यारा है। सी किसने कहा कि हम अकेले हैं। वाटरफॉल कितने दूर है यहाँ से? आधा घंटा। सो ये एक कैफे है यहाँ पे। वाटरफॉल का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, उन्होंने बताया अभी आधा घंटा लगेगा यहाँ से। सो ये वाटरफॉल थोड़ा सा दूर है गलू टेंपल से, अप्रॉक्स एक घंटे का वॉक है, बट नीचे वॉक है तो सह लेंगे थोड़ा। सो फाइनली इस ट्रैक पे मुझे कोई तो मिला, नेहा एंड सौरभ। इस पूरे ट्रैक पे इनको भी कोई नहीं मिला, मुझे भी कोई नहीं मिला, तो हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। अप्रॉक्स 30 मिनट्स हो गए हैं ये हाइक करते हुए और अभी भी वाटरफॉल की आवाज़ भी नहीं आ रही है, तो पता नहीं कितनी और दूर है। वाटरफॉल का तो पता नहीं, पर ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। सी वाओ। ये पाइपलाइन फॉलो करते हुए उस साइड जाने हैं। ये रास्ता बहुत नैरो है। रास्ते बहुत प्यारे हैं पर उतने ही डेंजरस है। अभी जहाँ पे मैं हूँ अगर थोड़ा भी पैर फिसलाना सीधा नीचे। रास्ता यहाँ से आ रहा है और सीधा नीचे, और अभी मैं इस पूरे स्ट्रेच को क्रॉस करके वहाँ पहुँचना है। इतने लंबे ट्रैक के बाद अब जाके वाटरफॉल की आवाज़ आई है, थोड़ी सी जान में जान कि हाँ सही रास्ते पे है। अभी अप्रॉक्स एक घंटा चलने के बाद भी 20 मिनट्स रास्ता है ये। ओ शिट, ये वाला हाँ। बाय गॉड, उस 20 मिनट के साइन को भी देखे हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए। कितनी दूर है? ज़्यादा नहीं है, हार्डली 15 मिनट्स को मिले। मेरे खीर गंगा का ट्रैक था याद दिला रहा है। जब लास्ट स्ट्रेच बचा था ना तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, एंड जितने भी लोग मिले रास्ते में उनसे पूछो कितना टाइम, दे आर लाइक कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स। वही यहाँ पे हो रहा है, जो दो चार लोग मिल रहे हैं उनसे पूछो दे आर लाइक 5 मिनट बचा है बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट अब तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। फाइनली वाटरफॉल दिखा और नीचे जाने का रास्ता भी। ओह माय गॉड, सीरियसली इतनी देर का ट्रैक हाइक वर्थ इट है इस व्यू के लिए, इतने प्योर वाटर के लिए, इस साउंड के लिए, इस हवा के लिए, इस नेचर के लिए बेसिकली।
सो फाइनली वी रीच्ड एट दिस कैफ़े. दिस इज़ आइबेक्स कैफ़े जो कि वाटरफॉल के बहुत ही पास है. यहाँ से बस बैक साइड में वाटरफॉल है अगर आपको नीचे जाना है तो, नहीं तो इस कैफ़े से व्यू इतना प्यारा है कि नहीं भी जाओगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ आना पहले तो लगा यार शायद बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रहा है, नहीं कर पाएंगे या लोग नहीं मिल रहे थे, बट लकीली मुझे दो लोग मिल गए जिनके साथ मैंने ये आधा ट्रैक आगे का कंप्लीट किया. अदरवाइज़ अगर मैं अकेले होती तो बीच में शायद गिव अप कर चुकी होती. कुछ पॉइंट्स ऐसे आ चुके थे जहाँ पे ना वाटरफॉल की आवाज़ थी, ना दूर दूर तक लोग थे और ना कोई साइन था जिसको आप फॉलो करके पहुँच सकते हो. बट वही है यार, थोड़ी डिफ़िकल्टी के बाद, एक प्रॉपर स्ट्रेच कवर करने के बाद आप जब पॉइंट पे पहुंचते हो ना, वो बहुत रिलैक्सिंग होता है. एंड ये पॉइंट वाकई वैसा है, ये वाटरफॉल वाकई वैसा है. बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बट जो मतलब क्लियरिटी है ना वाटर की, जो प्योरिटी है वाटर की, बहुत प्यारी है. मतलब वो देख के ही ना मन करता है यार एक डुबकी तो बनती है. बट शायद मैं लेट आई तो इसलिए पानी बहुत ठंडा है और मैं हिम्मत भी नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ से वापस जाना भी है. आप जब भी आना तो मॉर्निंग में आना, मॉर्निंग में ये ट्रैक स्टार्ट करना. एंड ट्रैक के बाद जब आप इस पॉइंट पे आओ तो आप एक डिप ले सकते हो क्योंकि लोग यहाँ पे आके डिप लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट पानी बहुत ठंडा है, सच में पानी बहुत ठंडा है. पहाड़ों की मैगी with this view. ऐसी जगह पे आना और थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ खाने को मिल जाए तो वो आपके लिए ना मतलब आप ब्लेसिंग ही समझो, क्योंकि ऐसी जगह पे, आइसोलेटेड सी जगह पे जहाँ पे इतनी दूर आप खुद नहीं आ पाते, वहाँ पे ये लोग, पहाड़ी लोग सामान लाते हैं, कैफ़े लगाते हैं और आपकी सुविधा के लिए चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं. अब ना सनसेट होने वाला है और जल्दी भागना पड़ेगा, पर ये चाय है कि छूटती नहीं. तो यप गाइस, आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे पता है कि हॉस्टल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, तो और कुछ तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो. आई होप आपको ये गलू का ट्रैक अच्छा लगा हो, गलू वाटरफॉल का ट्रैक अच्छा लगा हो, गलू का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना.